अरे चाची, आप कब से किचन में हैं? आप जाइए, हम सब करते हैं। नहीं, रहने दो, सारा काम हमने कर लिया है। अच्छा, एक काम करो, सलाद के लिए प्याज काट दो। ठीक है। जब रचना दीदी केटी भैया के घर में सो रही थी, तब उन्होंने हमें उनकी रक्षा करने के लिए कहा था। पीहू की खुशखबरी से सब लोग खुश हैं, नहीं तो हम दीदी से इन दोनों के बारे में बात करते। रचना, काम की तो खूब याद आती होगी ना तुम्हें। हमारी मानो तो एक काम करो बेटा, किसी नई जगह नौकरी की तलाश करो, और हमें विश्वास है जेठ जी मना नहीं करेंगे। नहीं नहीं चाची जी, हमें कहीं और नौकरी नहीं करनी। तो एक बात अच्छी तरह याद रखो बेटा, अब तुम केटी के यहाँ काम नहीं करती हो, इसलिए तुम्हारा वहां आना जाना ठीक नहीं है। देखो बेटा, जितने मुंह उतनी बातें होंगी, तुम अच्छी तरह से जानती हो ना लोगों को। लोग सोचेंगे कि अब तुम दोनों काम ही नहीं करते हो साथ में, तो तुम्हारा रिश्ता क्या है? तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? तुम क्यों मुझे छोड़ के चले गए? जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। हर जगह बस तुम ही तुम नजर आती हो। सोनल, नहीं मिस गर्ग, मैं ऐसी लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता। उसने जो कुछ भी किया वो सब दिखावा था। वो एक ऐसा रिश्ता था मिस गर्ग, जो बाहर से तो बहुत चमक धमक जैसा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला था। She was not for me. She was not for me. अगर केटी के मन में सोनल नहीं है तो फिर कौन है, जिसके बारे में उन्हें खुद कुछ नहीं पता? बुखार में वो किसके लिए वो सब कह रहे थे? रचना, तुमने मेरा फोन देखा क्या? क्या बात है रचना, तुम रो क्यों रही हो? अरे अरे नहीं, वो हम प्याज काट रहे थे ना, इसलिए। ओह, अनियन फ्लेवर्ड आस। अच्छा रचना, मेरा फोन देखा क्या? नहीं, हमारा फोन यूज कर लो ना। अपने फोन पे कॉल करके देखते हो, गुड आइडिया। रचना बेटा, ये क्या है? हमने तुम्हें सलाद के लिए प्याज काटने को कहा था, इतने बारीक नहीं। छोड़ो, रहने दो, तुम जाओ, हम कर लेंगे। जी। थैंक गॉड, मेरा फोन घर पे ही, रिंग सुनाई दे रही है। कि मौसी मां के कमरे में तुम्हें गई नहीं? पेट पीहू दीदी के कमरे से आवाज आ रही है। बिहू दीदी के कमरे में फोन क्यों छोड़? बिहू दीदी, बिहू दीदी तो कल के लिए पैकिंग कर रही, ना कोई बैग है ना कुछ। मम्मी, हम विक्की के साथ जा रहे हैं उसकी माँ से मिलने। विक्की के साथ जाना हमारी और इस घर की इज्जत के लिए बहुत जरूरी है। हम 2 घंटे में लौट आएंगे, तब तक के लिए आप प्लीज सब संभाल लेना। और ये फोन गुंजन का है, उसे दे दीजिएगा, विक्की ने वापस दिया है। पीहू,
संजय क्या हो रहा है? पीहू कहाँ है? सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ गुंजन? सब ठीक तो है ना? इसके आगे क्या हो सकता है? इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। नहीं मौसी माँ, प्लीज संभालिए अपने आप को। इस मोड़ पर आकर हम कमजोर नहीं हो सकते। ये सब क्या हो रहा है गुंजन? क्या हो रहा है ये सब? हमने तो सोचा था सब कुछ ठीक हो गया, ये सिर्फ 2 घंटे की बात है। प्लीज अपने आप को संभालिए। आपको घर को भी संभालना है ना। प्लीज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं बस यूं गई और विक्की की माँ से मिलकर आती हूँ। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं नहीं मौसी माँ, दीदी ने ये कदम घर की इज्जत बचाने के लिए किया है। आई एम श्योर शायद यही सही रास्ता हो। मौसी माँ आप बस घर को संभालिए, मैं बस गई और पीहू दीदी को वापस लेकर आती हूँ। जिद करता है ये, लेकिन ऐसे हमने पहले कभी तोड़फोड़ करते इसे नहीं देखा। पता है कितना डर गए थे हम भी पहले। आंटी जी ये लीजिए। कितनी शर्म आ रही हमें इसके किए पे। ये किसी और के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये दोनों का प्लान था तो दोनों है कहाँ पर? हमें नहीं पता बेटा, ना तो हमसे बात करता है ना किसी घर पे रहता है, क्या बताए। अच्छा आंटी जी अब ये सब कुछ छोड़िए, हमें जो कुछ भी करना होगा फौरन जल्दी करना होगा, नहीं तो पीहू दीदी के साथ साथ मेरा पूरा परिवार बदनाम हो सकता है। दीदी ने लिखा था कि वो यहाँ आ रही है, अगर वो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब वो विक्की के साथ है। अब किस हाल में है, सेफ है या नहीं पता नहीं। आंटी जी अगर आप अलाउ करें तो क्या मैं प्लीज विक्की का रूम चेक कर सकती हूँ? हाँ बेटा जरूर, उधर है कमरा। थैंक यू। अगर फोटोज यहाँ है तो जरूर उनकी सॉफ्ट कॉपी विक्की के पास होगी। और ये लड़का कुछ भी कर सकता है, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा।
कोई ऐसी चीज कुछ जिससे पता चले ये कहाँ गया है। विकी के लिए एक्टिंग ऑडिशन का चांस? यस। आंटी जी, एक लास्ट फेवर। हाँ? क्या आप अपने फोन से विकी को एक बार कॉल कर सकती हैं? हाँ बेटा। आंटी जी, मैं लाउडस्पीकर पर डाल दूँ? क्या है माँ, फोन क्यों किया? बेटा, हमने इसलिए कॉल किया था क्योंकि वो हम तुम्हारे कमरे की सफाई कर रहे थे ना, तो तुम्हारे कमरे में हमें एक फिल्म कंपनी का लिफाफा मिला। हमने सोचा वो तुम्हारे काम का होगा, इसीलिए कॉल किया। कहाँ हो बेटा तुम? माँ, आप प्लीज मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, मैं उसी फिल्म वाले से मिलने मुंबई जा रहा हूँ। एंड प्लीज अब फोन मत करना। अरे शैल, कहाँ रह गई? लड़कियां ना जाने क्या कर रही हैं? खाना ठंडा हो जाएगा भाई। रचना, बेटा पीहू और गुंजन कहाँ हैं? जी पापा। शैल, हम कब से तुम्हें आवाज दे रहे हैं, कहां थी तुम? और ये पीहू और गुंजन कहां रह गए? वो आप लोग खाना खाना शुरू कर दीजिए, मतलब कि गुंजन और पीहू को थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो क्या है ना, दामाद जी पीहू को जिस जगह लेके जाने वाले हैं ना, उसके बारे में उन्हें पूछताछ करनी थी, इसलिए पीहू को बुला लिया और गुंजन भी उसके साथ चली गई। इतनी रात को क्या करे जी, आखिरी मिनट पर सब कुछ तय हुआ है ना, इसलिए उन्हें थोड़ी जल्दी है, बस वो एक आधे घंटे में आ जाएंगे। आप शुरू कीजिए। कमाल है, गुंजन ने मुझे भी नहीं बताया। अरे मैं ही ले जाता। शैल, ये बिल्कुल गलत है, इतनी रात को लड़कियां इस तरीके से अकेले। अब अरे भाई साहब, इसी को तो रोमांस कहते हैं, जो कुछ दिन दूर रहकर डबल हो जाए, मतलब रातों रात प्लान बनाकर दामाद जी अपनी हॉलिडे की तैयारी में लग गए, मानना पड़ेगा। अरे भाई, खाना शुरू करते हैं। हम अभी आते हैं।
दीदी अब तक घर भी नहीं पहुंची, मतलब डेफिनेटली विकी के साथ है। गॉड, अब क्या होगा? इतनी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हो रहा था। हेलो, हाय जीजू, मैं गुंजन बोल रही हूँ। हाँ गुंजन, बोलो। आपको कुछ बताना था। क्या हुआ? जीजू, आप दीदी को लेने के लिए दो दिन बाद आ सकते हैं क्या? वो क्या है ना, उनकी एक्टिंग स्कूल को एकदम लास्ट मिनट इलाहाबाद में एक प्ले मिल गया है, तो उनको जाना पड़ा। मतलब नाटक के साथ, लेकिन एकदम से शो कैसे आ गया? और पीहू ने कुछ जिक्र भी नहीं किया। जीजू, वो क्या है ना, उनके डायरेक्टर साहब ने सब कुछ लास्ट मिनट प्लान किया। बस अभी दीदी को मैं स्टेशन छोड़कर आ रही हूँ। अच्छा, लेकिन जाने से पहले कम से कम एक बार हमें फोन तो कर देती, ऐसे ही चली गई। क्या हुआ ना जीजू, जल्दबाजी में दीदी अपना फोन यहीं भूल गई और आपसे बात नहीं हो पाई, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर कोई भी मैसेज हो ना तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। ठीक है गुंजन, तो पहला मैसेज तो हमारी तरफ से यही रहेगा, पेहू को बोल देना ऑल द बेस्ट। ठीक है जीजू, बाय। ओके कुंजन, बाय। अब भैया बस यही रोक दीजिए। कहाँ रह गई थी तुम? और पीहू दीदी कहाँ है? तुम यकीन ही नहीं करोगे जब बताऊंगी तो। आप सबको तो पता ही है ना कि जीजू दीदी को लेकर हॉलिडे पर जाने वाले हैं, लेकिन कब? आज वो दोनों शिमला जा रहे हैं। Isn't that awesome? शिमला? अरे पर अचानक उनका इरादा ऐसे कैसे बदल गया? क्या बात है, बड़ी जल्दी मची हुई है दामाद जी को, लेकिन अचानक कैसे? देखिए ना, आप सबको कितने अच्छे दामाद जी मिले। सो तो है बेटा, हमारे दामाद जी बहुत नेक दिल इंसान, सब कुछ पहले जैसा हो ऐसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, बहुत अच्छे इंसान। मैं आती हूँ। सच सच बता, पीहू कहाँ है? माँ आप प्लीज मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, मैं उसी फिल्म वाले से मिलने मुंबई जा रहा हूँ। और मुझे पक्का यकीन है कि पीहू दीदी उसके साथ मुंबई गई है। Yeah.
छू लीजिए। वो लोग मुंबई कैसे? ये सब क्या हो रहा है गुंजन? मौसी माँ, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं कैसे भी करके पीहू दीदी को वापस लेकर ही आऊंगी। मैंने एक फैसला किया है, मैं कल सुबह मुंबई जा रही हूँ। मौसी माँ, वहां मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। मौसी माँ देखिए, उस विकी को एक्टिंग का कीड़ा है और मुंबई में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मेरी एक फ्रेंड वो कास्टिंग डायरेक्टर है ऋतु, हो सकता है वहां से कोई मदद मिल जाए। मौसी माँ, तो फिर हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ मुंबई। नहीं नहीं, आप अगर गए तो घर में सबको शक हो जाएगा। आप घर संभालिए। लेकिन हम तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकते हैं गुंजन? नहीं, ये नहीं हो सकता। घबराइए मत, मुझे कुछ भी नहीं होगा। एक एक मिनट कीमती है मौसी माँ, मैं मुंबई में उस विकी का पता लगा कर ही रहूंगी।